हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेटरी पैटर्न, कि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न से अलग जो रेस्पिरेटरी पैटर्न वाली रेस्पिरेशंस है, जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन। तो मैं सोच रही हूँ कि एबनॉर्मेलिटीज डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न बता देती हूँ पहले मैं आपको, फिर इसके बाद आपको एबनॉर्मेलिटीज समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर एक मैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ साइड में, ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न देखो, नीचे है टाइम, इधर है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। जितना भी वॉल्यूम ले रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम में कैसे जा रहा है। तो अगर हम नॉर्मल पैटर्न देखें तो इसका ऐसे रहता है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की और जो रेट है पर्टिकुलर चल रहा है और नॉर्मल रेट में है और नॉर्मल डेप्थ है रेस्पिरेशन की, नॉर्मली जो हम देख रहे हैं। और नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूपनिया। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, EUPNEA, यूपनिया बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न को, या अगर कोई नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है या पैटर्न है जिसका, उसको हम क्या बोलेंगे, यूपनिया बोलते हैं। उसको एक टर्म देते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूपनिया। अब हम बातें करते हैं एबनॉर्मेलिटीज की, तो चलिए शुरू करते हैं। एबनॉर्मेलिटीज में पहली एबनॉर्मेलिटी मैंने लिखी है कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन। ये आप सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप सुन लेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब हमारे डिजीज कंडीशन में भी हमें सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा इजीली मतलब ये वर्ड। तो कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, पहले मैंने लिखा है, देखते हैं, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, कि हमारा जो भी रेस्पिरेटरी रेट है और डेप्थ जो भी गहराई है उसकी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इस रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाऊं तो देखो कैसे दिखेगा, ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना मतलब जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन और डेप्थ मतलब नीचे, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, क्लियर। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, कि रेट भी बढ़ रहा है और डेप्थ भी बढ़ रहा है। पर हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, एक रेंज होती है रेस्पिरेटरी रेट की, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की वो कितनी होती है, वो होती है हमारी, यहां पर लिख दूं मैं, 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। कितनी होती है, 12 से लेके 20 पर मिनट ब्रेथ पर मिनट हमारा क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की रेंज होती है। अगर इस रेट से ज्यादा जा रहा है, इससे ज्यादा मतलब 20 से ज्यादा नहीं, more than 24, क्योंकि टैकीपनिया की डेफिनेशन क्या होती है, रेस्पिरेटरी रेट more than 24। अगर 24 ब्रेथ पर मिनट से हमारा रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा जाता है और डेप्थ भी ज्यादा होगी अगर उसकी गहराई, ठीक है। एक पॉइंट तो ये डिस्कस कर लिया हमने। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, सीन इन DKA, ऐसे कंडीशन जिसमें सीवियर एसिडोसिस हो, ऐसी कंडीशंस में ये देखने को मिलता है, जिनमें से एक कंडीशन ऐसी होती है DKA, जिसका एक प्रोमिनेंट साइन होता है। क्या होता है, उसका प्रोमिनेंट साइन देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट सिम्टम, ठीक है, DKA कंडीशन में देखने को मिलता है, जो कि डायबिटिक मेलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। किसका कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक मेलाइटिस का, कौन से डायबिटिक मेलाइटिस का, type 1 डायबिटिक मेलाइटिस का ये कॉम्प्लिकेशन होता है DKA, और DKA में हमें कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन बन चुका है कि DKA में कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन। बाकी अगर कोई भी पूछता है सीवियर एसिडोसिस की कंडीशन है या यूरेमिया है किसी को या सेलिसाइक्लेट पॉइजनिंग हो रखी है, तो कौन सी रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी ये देखने को क्यों मिल रहा है, कुछ स्मॉल्स में देखो हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ रहा है और डेप्थ भी बढ़ रही है, और साथ में कोई एपनिया नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, एपनिया, एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन नहीं हो रहा या सिसेशन नहीं हो रहा रेस्पिरेशन का।
तो आज से हम देखते हैं, अगर कोई भी पेशेंट हो या कोई पर्सन हो एकदम से अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहा है, डेप्थ भी बढ़ा रहा है, लेकिन कोई एपने नहीं उसमें, तो उससे क्या होगा? वो बहुत ज्यादा CO2 बाहर निकालेगा। CO2 क्या एक टाइप का एसिड है बॉडी में, हमारी बॉडी से सारा एसिड बाहर निकाल लेता है। ये क्या है? कंपनसेटरी पैटर्न दिखा रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे क्या कर रहा है, सारा का सारा एसिड बाहर निकाल रहा है। क्योंकि कौन सी कंडीशंस है? एसिडोसिस, मतलब एसिड वाली कंडीशन है, बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन चुका है, बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन चुका है, जिसकी वजह से बॉडी कंपनसेट करने के लिए हाइपर वेंटिलेट करवा रही है पेशेंट को, और सारा एसिड बाहर निकलवा रही है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नो एपनिया। कि कभी भी कुछ मॉल्स रेस्पिरेशन में कोई एपनिक स्टेज नहीं होती, या कोई एपनिया नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका एक नॉर्मल पैटर्न शो कर रखा है, मतलब कुछ मॉल्स रेस्पिरेशन का पैटर्न शो कर रखा है, जिसमें क्या है, रेट भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और डेप्थ भी ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, इतना। इसके बाद है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न, हमने लिखा है केन स्टोक्स रेस्पिरेशन। अब इसको सब अलग अलग टाइप से प्रोनाउंस करते हैं, कोई बोलता है चाइल्ड स्टोक रेस्पिरेशन, कोई बोलता है केन स्टोक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो केन स्टोक रेस्पिरेशन में क्या होता है, टोटल 3 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? टोटल 3 स्टेजेस है। अब इसकी स्टेजेस किस हिसाब से डिवाइड है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज, सेकेंड स्टेज इज लेट स्टेज, थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ एपनिया। केन स्टोक रेस्पिरेशन में टोटल 3 स्टेजेस है, कौन सी? इनिशियल स्टेज, लेट स्टेज एंड स्टेज ऑफ एपनिया। पहले 3 चीजें ध्यान रखनी है, इनिशियल, लेट एंड स्टेज ऑफ एपनिया। क्लियर? अब इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है केन स्टोक रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ पहले धीरे धीरे करके बढ़ता है। धीरे धीरे करके बढ़ने को क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी एंड डेप्थ भी। फिर लेट स्टेज में क्या हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है रेस्पिरेटरी रेट भी एंड डेप्थ भी। फिर स्टेज ऑफ एपनिया में नाम से पता चल रहा है, एपनिया देखने को मिलेगा, एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस टाइम पीरियड में कोई रेस्पिरेशन नहीं होगी पेशेंट को। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है, जो भी अगर हम बोल रहे हैं एपनिया हो रहा है, तो एपनिया 2 टाइप से हो सकते हैं, एक साइक्लिक, एक होता है ए साइक्लिक। साइक्लिक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आ रहा है, मान लो मैंने 2 रेस्पिरेशन ली फिर एपनिया, फिर 2 रेस्पिरेशन ली फिर एपनिया, तो ये साइक्लिक एपनिया हो गया। ए साइक्लिक मतलब पहले जो एपनिया आया वो मेरे 3 रेस्पिरेशन के बाद आया, दूसरा एपनिया 1 रेस्पिरेशन के बाद आ गया, तीसरा एपनिया मेरा 10 रेस्पिरेशन के बाद आया। ठीक है, तो साइक्लिक और एसाइक्लिक का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब वापस से मैं बता रही हूँ, इनिशियल स्टेज में ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ बढ़ रहा है एकदम से, रेट भी और डेप्थ भी धीरे धीरे करके। लेट स्टेज में क्या होगा, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। इनिशियल में क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेट स्टेज में क्या हो रहा है, डिक्रीज, और कैसे हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब स्टेज ऑफ एपनिया में क्या हुआ, साइक्लिक एपनिया मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एपनिया देखने को मिल रहा है। वो एपनिया कितने टाइम तक के लिए रहेगा, 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक। कितने टाइम के लिए, फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट का साइक्लिक एपनिया रहेगा। कितने सेकेंड, 30 सेकेंड टू 2 मिनट, 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्राम बना रखा है, जिसको आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट कर रखा है, ये दिखा रखा है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में देखो क्या हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ, धीरे धीरे करके देखो रेट बढ़ रहा है, पहले छोटा फिर और बढ़ा फिर और बढ़ा फिर और बढ़ा, और डेप्थ भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखो कम थी, फिर और ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेट स्टेज में क्या हो रहा है, जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, ये है लेट स्टेज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेट एंड डेप्थ। अब ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया, पहले यहां तक पहुंचा था, यहां से बाद अब थोड़ा और नीचे आया, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर उससे भी ज्यादा नीचे। ठीक है, अब आती है स्टेज ऑफ एपनिया, जो कि मैंने ब्लैक कलर से डिनोट कर रखे, बीच में जो खाली लाइन है ना, ये वाला साइक्लिक एपनिया। देखो यहां पर एपनिया आया, देखो यहां पर 4 मैंने पैटर्न ऐसे बना रखे हैं,
इनिशियल स्टेज के, फिर चार पैटर्न बना रखे लेट स्टेज के, फिर एपनिया, फिर ऐसे ही चार इनिशियल स्टेज के पैटर्न, चार लेट स्टेज के, फिर एपनिया। तो ये क्या हो रहा है, साइक्लिक एपनिया शो हो रहा है, जो कि कितने मिनट्स का है, फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स का एपनिया। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन में केन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, या आपसे इससे थोड़ा ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई डाइंग पेशेंट है, कोई पेशेंट है जो मरने वाला है, तो उस पेशेंट में कौन सा एपनिया शो होगा, सॉरी कौन से रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे केन स्ट्रोक रेस्पिरेटरी पैटर्न। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सीन इन, ये एस और स्लैश इन का मतलब होता है सीन इन, तो सीन इन डाइंग पेशेंट, मरते हुए पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इंक्रीज ICP, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है। और बाकी CHF, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है केन स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है पैटर्न बायोर्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोर्स रेस्पिरेशन। अब जो बायोर्स रेस्पिरेशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एबनॉर्मल वेरिएशन इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, कि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ में एबनॉर्मल वेरिएशन आ रहा है, कि मतलब एकदम से बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, और उसके बीच में एकदम से एपनिया भी आ जा रहा है। तो देखते हैं बाद में क्या लिखा हुआ है, एसाइक्लिक एपनिया। एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक का अपोजिट, साइक्लिक में क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एपनिया आ रहा था, लेकिन एसाइक्लिक में कभी भी आ सकता है बीच में एपनिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसका डायग्राम देखिए, देखो पहले 3 रेस्पिरेशन के बाद एपनिया था, फिर 2 रेस्पिरेशन के बाद एपनिया आया, फिर 4 रेस्पिरेशन के बाद एपनिया आया, तो मतलब एसाइक्लिक एपनिया यहाँ पर कैसा है, एसाइक्लिक एपनिया देखने को मिल रहा है इन बायोर्स रेस्पिरेशन। अब पूछा जाता है कि बायोर्स रेस्पिरेशन कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलती है, तो बायोर्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन में। किसमें, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब जो भी हमारी मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर एंड पायर मैटर, इनका क्या हो, इन्फ्लामेशन हो जाए। नेक्स्ट है CNS इंजरी, ऐसी कंडीशन जब हमारी जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर इनको कोई इंजरी हो जाती है या कोई ट्रॉमा होता है हमारा ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, तो भी हमें बायोर्स रेस्पिरेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर कोई पूछे पेन में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो किसी को, तो कौन सी रेस्पिरेशन, तो भी बायोर्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जो भी हमारी केन स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन होती है, जो इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी को इसका दूसरा नाम नहीं पता है तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इसको हम बोलते हैं रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, क्या हो रहा है, रिदमिक मतलब एक रिदम में हो रहा है, वो चीज कैसे हो रही है, साइक्लिक हो रही है। वैक्सिंग मतलब इंक्रीज होना, वैनिंग मतलब डिक्रीज होना, किसका, रेस्पिरेशन का, एक रिदमिक वे में रेस्पिरेशन का बढ़ना धीरे धीरे और धीरे धीरे कम होना, डिक्रीज होना, तो वो कौन सी रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है, हमारा केन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का। आप अगर आपको ये पता है कि केन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होती है, तो आप उसका दूसरा नाम याद रख सकते हैं, या कभी कुछ एग्जाम में आए कि रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, और ऑप्शन में कुछ स्मॉल्स, केन स्ट्रोक्स एंड बायोट्स दिया हो, तो आप याद करोगे कि इसमें तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा था, इसमें तो सिर्फ क्या हो रहा था, हाइपर एपनिया हो रहा था, मतलब एकदम से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ ही रहा था। बायोर्स में क्या हो रहा था, बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था, लेकिन वो कैसा था, एसाइक्लिक, पर यहाँ पर क्या लिखा है, रिदमिक, तो रिदमिक किसमें हो रहा था, साइक्लिक पैटर्न किसमें शो हो रहा था, केन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। आप कैसे याद रखोगे, C4 केन स्ट्रोक, C4 साइक्लिक एपनिया, ऐसे याद आप रख सकते हैं।
बाकी आज हमने सिर्फ तीन हमने एबनॉर्मल पैटर्न्स देखे रेस्पिरेशन के, बाकी और भी होते हैं जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू योर क्लासमेट्स एंड इन योर कॉलेज ग्रुप्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।